हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। फ्रेंड्स, आज का हमारा ऐसे है माय स्कूल, मेरा विद्यालय। बच्चों को एग्ज़ाम में, छोटे बच्चों को एग्ज़ाम में ज़्यादातर माय स्कूल के बारे में ऐसे लिखने के लिए यानी कंपोजिशन लिखने के लिए ज़रूर पूछा जाता है। तो हम इस तरह से लिखेंगे अपने स्कूल के बारे में। शुरुआत करेंगे, माय स्कूल इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्कूल इन द सिटी। मेरा स्कूल शहर में सबसे सुंदर स्कूल है। ये सबका होता है, आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं, बस ऐसे ही लिखना है। उसके बाद माय स्कूल हैज़ मोस्ट टैलेंटेड स्टाफ। मेरे स्कूल के पास, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरे स्कूल में सबसे टैलेंटेड स्टाफ हैं, मतलब वहाँ पर जो भी काम करते हैं, पढ़ाते हैं। देर आर 35 स्टाफ्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में टोटल 35 स्टाफ हैं। स्टाफ मतलब आप सबको, टीचर के साथ सबको बोल सकते हैं आप। देर आर मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं। आपके स्कूल में 500 होंगे तो 500 बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 1000 ही बोलना है। All students of my school are obedient and studious. मेरे स्कूल के सभी विद्यार्थी obedient मतलब आज्ञाकारी and studious मतलब पढ़ाकू, यानी कि पढ़ने लिखने में अच्छे हैं। It has a big, neat and green playground. इसका एक साफ सुथरा हरा भरा playground है, यानी कि खेलने का मैदान है। नीट एंड ग्रीन मतलब हरा और साफ सुथरा। ऑल टीचर्स इन माई स्कूल टीच वेरी वेल। मेरे स्कूल के सारे टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। टीच वेरी वेल का मतलब होता है, टीच मतलब पढ़ाना, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा। आई नेवर फेल टू गो टू माई स्कूल। मैं स्कूल जाने से कभी चूकता नहीं हूँ। फेल का मतलब होता है चूकना, यानी कि मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? और ख़ासकर बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह के ऐसे का वीडियो देखा करें आप। अगर आप और भी इस तरह के ऐसे चाहते हैं तो हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे और आप सीखते रहें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।